भगवान जाने। ये बताओ साईं बाबा भगवान है नहीं है? थर्ड एसी की टिकट लेने के बावजूद भी बहुत बुरा हाल है। चेक करो गाइस, गाइस ये सिचुएशन इस टाइम पर देख लो, पटना की ट्रेन होगी जाने वाले ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेक करो गाइस। मेट्रो से उतर के आओगे तो ये मिलेंगे चूतिया बनाने के लिए। इस परिस्थिति के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन में 2 बजे से और आज की हमारी ट्रिप होने वाली है दिल्ली टू पटना। आज मैं बिहार जा रहा हूँ वेडिंग के काम से गाइस, और करते हैं एक्सप्लोर गाइस की दिल्ली टू पटना ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस रहता है। सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा व्लॉग के थ्रू। सो लेट्स गो गाइस, मेरा बैग वहाँ पैक है और मेरे को अभी तो मैं यहाँ से सोलो ट्रेवल करते हुए जाऊंगा। मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैमरा टीम मिलेगी, फोटोग्राफी टीम, तो मैं उनसे कनेक्ट होऊंगा वहाँ से, फिर देन चलते हैं गाइस क्या एक्सपीरियंस रहता है। लेट्स गो। पैसे भी ले ले, क्यों ऑफ कर रहा है, चुरा लिए तभी। आजकल के बच्चे बहुत शातिर हो चुके हैं गाइस, ये चेक करो। डालो इसमें, अब कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए जुड़ जाएंगे इसमें। क्या आ, वो रील्स पे मीम चलाता हुआ आनी बाड़ी, वो आड़ी आड़ी। चल इसमें इतना सारा क्या पैक कर दिया? तो थोड़े से पराठे के लिए इतनी बड़ी वो। चलो कोई नहीं, 2 लाख रुपए की बननी है। 2 लाख रुपए की बननी है? 2 लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 पाँच आते हैं, लाख में 5 आते हैं। अच्छा, पढ़ के छोड़ दिए। चलो अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। कौन सी क्लास में आई है अभी? 4th क्लास में कितने मार्क्स आए थे? 97.3% आई, और 600 में से मेरे 586 तो बढ़िया। मेरे को तो लगता था गाइस आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, आजकल की जनरेशन खराब है, पर मेरे घर में तो पढ़ाकू बच्चे हैं। लेट्स गो, चलो बाय बाय। आने के बाद क्या, किस बात के 100 रुपए? मैगी खाई थी तो क्या? अच्छा मैगी खिलाने के 100 रुपए होते हैं? तुमने बोला था जाल लेके मैं 100 रुपए दूंगा आने के बाद, देगा ठीक है डन। 100 रुपए मेट्रो की रेड लाइन इसलिए बदनाम है। मेट्रो से उतर के आओगे तो ये मिलेंगे चूतिया बनाने के लिए, तुम्हारा कान साफ करेंगे। ओके गाइस, आई एम एट रेलवे स्टेशन। अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, आपको कान साफ करने वाले मिलेंगे, बनाएंगे तुम्हारा चूतिया। ये कुछ कान में से निकालते हैं और ना सबके कान में से एक ही जैसा वो निकाल रहे हैं, मतलब जो मैल वगैरह जो भी निकलता है एक ही जैसा निकाल रहे हैं। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँचता हूँ, फिर मिलता हूँ। बिहार जाने वाले ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेक करो गाइस, क्या भीड़ है भाई, बहुत गलत। पहली बार किसी ट्रेन में इतना वो देखा है मैंने, ये चेक करो गाइस। मार रहे हैं दूसरे। मुझे सुकून गाइस इसलिए हमारा एसी कंपार्टमेंट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्लीपर में ऐसी घूसे मार के घुस रहे हैं ना भाई गाइस, बिहार वाली ट्रेन और शिट मैन। बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस, एसी का तो बढ़िया ही रहता है। क्या ही बुरा हाल हो रखा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 2 महीने पहले 3rd AC में टिकट काटा था, 14 वेटिंग था, अब जाके 3 पे कैंसिल हो गया। 2nd AC का तत्काल काटा, वो 19 वेटिंग पे आ गया। फिर स्लीपर का भी तत्काल काटा, वो भी वेटिंग में चला गया। लास्टली घर तो जाना ही था, तो डिसाइड किया कि वेटिंग लेके ही चलूं। ये सिचुएशन इस टाइम पर देख लो, पटना की ट्रेनों की 3rd AC की टिकट लेने के बावजूद भी लोग यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके
अगर ये रेलवे मंत्री तक पहुंचे तो पहुंचा दे। आपको कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी से हो, बीजेपी से हो? हम तो है पंजाब। इस परिस्थिति के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इस परिस्थिति के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी का क्या लेना देना है? रेलवे मंत्री से बात करिए, वो तो सारे लोग हैं बैठे हुए। टिकट लिया आपने? हाँ जी। कहाँ आपके टिकट? रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड ही कर रहे हैं तो टिकट ले भाई। लो रिकॉर्ड देखो, देखो टिकट, ये हमारा टिकट है। बताओ टिकट है आपके पास, फिर भी आप यहाँ बैठो। अंदर जाओ ना, अंदर बैठो। कौन सा टिकट? अंदर क्यों नहीं बिठा आपको? अंदर जा सकते हैं आप? अंदर जा सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। क्या नंबर है? दिखाओ आप टिकट, दिखाओ क्या नंबर है टिकट का। बहुत बुरा हाल है, बहुत। प्रोग्राम में नहीं, हम जा रहे वेडिंग, शादियों में कैमरे लगते हैं ना। हाँ वही फोटो पटना। क्या करें बताओ, हो गया हो। हम शादी करने जा रहा था, काम काम है देखो, पर ये हालत हो गई, अब क्या कर सकते हैं, झेल रहे हैं हम भी आपकी तरह। सोच रहे थे कि आप काम के आदमी हैं, हम भी आपको बुलाएं। दिल भी बुलाओ, नंबर ले जाओ हमारा। चौमिन भी मिल रही है क्या? चौमिन भी मिलने लग गई अंकल ट्रेन में। क्या फेमस चौमिन? कानपुर सेंट्रल। फाइनली इतने घंटों के बाद कष्ट करके कानपुर पहुंचा है। कानपुर उतर के थोड़ी सी राहत मिली है। और चेक दी साउंड वाइज करना चाहता हूँ। थर्ड एसी में था, बस इन लोगों ने चला नहीं थी। मैं अपनी सीट में था, भाई की सीट कंफर्म नहीं थी। मैं अपनी जगह बैठा लूंगा, आ जाओ भाई। ये मेरे साथ ही है गाइस, सीट दिखा दो अपनी। ये सीट चेक करो भाई, एसी होने के बावजूद भी हमें मतलब यहाँ पे ट्रेवल करके जाना है। पर कोई नहीं गाइस, ये वाला टाइम पीरियड भी देखना चाहिए यार किसी को। कोई बात नहीं, अब नहीं आऊंगा भाई, कसम खा ली भाई। कॉल नहीं मारना तुमने भाई, कोई ट्रैवल मत करना पटना वाली ट्रेन में। देखो क्या हो रहा है। अरे चलो भाई, चलो चलो, बख्श दो आज, बख्श दो प्लीज। अरे भैया बस बस, अरे नहीं, अब जाइए आगे, आगे जाइए। निकलो भाई, निकलो भाई, फंसा हुआ हूं मैं। आगे 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 जाइए, हमारा बहुत कीमती सामान रखा हुआ है, वो तो हम थोड़ी कृपा कर दिए। आओ आओ भैया, आओ जगह बनाओ, जगह बनाओ। हमने जगह कंप्लीट बहुत बुरा हाल है भाई। अभिजीत ये कैसा दिन देखने को मिल रहा है? अभिजीत मेरी बात सुने भैया, बैठो भैया। हाँ बैठो बैठो, एक बार चलते हैं, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। क्या करते हो तुम? बोल करते भाई, एक बार कर रहा हूँ। अरे बहुत जगह है, एडजस्ट कर लूँ। सही कह रहे हैं, बहुत जगह है। कहाँ जगह है? एक बार को मजे भी आ रहे हैं और फट भी रही है गाइस। भाई खुद बच्चा अब बच्ची। अरे वो पता क्या बोला यार, कल फोन टिकट वाले को जाने दो। टिकट वाला बच्चा चूतिया बना दिया उसने। टिकट वाले को जाने दो, टिकट वाला। कोई बोला ना, कोई बोला ना, बोला ये मस्त है, वो बच्ची जाने दो अंदर। बच्ची खुद बच्चा, बच्चियों को घुसेड़ रहा है, आराम ही होगा। अरे खुल गया, अरे गेट खुल गया, अरे गेट खुल गया, गेट खुल गया। ओए ये खुल गया भाई, ये बैठेंगे ना इधर। हां ठीक है, गेट खुल गया उसको। ये इसे फ्यूचर का क्या, व्हाट सेंस क्या है? ये पर डांसर है बाबा। ये भैया पूछ रहे हैं ये हाथ किसका है दूसरा वाला। भैया गेस करो कौन छोड़ के गई होगी, छोड़ के गई होगी। उसका हाथ बनवाया मैंने, हो गए हैं टैटू में। किसका हाथ है? अरे किसी का हाथ नहीं, अच्छा लग रहा था। जो गई छोड़ के गई वो हमारी नहीं थी। तय करना है कि हमको कहाँ जाना है। बिल्कुल, वो हमें तय करना है। आप तय करेंगे आपको क्या बात। अंकल बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ करी। नहीं तारीफ तो आप है, बाकी आपका आशीर्वाद है भाई। पहली बार किसी बुजुर्ग इंसान ने इतनी तारीफ करी है, बहुत सारा प्यार। कहाँ रहते हो? पटना से है, लेकिन दिल्ली में रह गया। अच्छा दिल्ली में रहते हो, पटना जा रहे हो? 2000 से दिल्ली में रह गए। अच्छा बच्चे तो मेरे वही है। हम सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ से फिर हाई कोर्ट में है यहाँ। अरे वाह अंकल, इसका केस सोल्व करा दो हाई कोर्ट में। इसका केस सोल्व करा दो। क्या है? हाँ क्या इसकी बीवी
दहेज दहेज मांग रही है इससे, इसका केस सॉल्व कराओ। जिसका डर था हमको वही काम हो गया। जिसका डर था वही काम हो गया। अंकल हाई कोर्ट में भाई बहुत सही कन्वर्सेशन चल रही है और बहुत मजा आ रहा है। भी है यही है गाइस, बहुत मजा आ रहा है यही। अब एसी से ज्यादा यहाँ मजा नहीं आ रहा, यहाँ मजा आ रहा है एसी से ज्यादा। ये बातें है आपके लिए, ये बातें वहाँ नहीं होनी चाहिए। हम इसको रखेंगे नहीं, हम इसको ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ऐसा वचन नहीं बोलना, ऐसे वचन नहीं बोलने हैं। अंकल कराएंगे वो तो फिर वकील अपना करेगा। आप सुनिए, कोई भी आप नंबर मांग लो, कोई भी आप गुनाह कर दो, कोई भी आप पाप कर लो, कोई भी आप चीज कर लो गलत कर, आपको सेल्फ नहीं कहना। अच्छा अंकल एक भी एक चीज पूछूं, ये बताओ साईं बाबा भगवान है नहीं है? साईं बाबा कौन थे बताओ? क्या थे बताओ? मुनि कहते हैं जिसको कहते हैं कि वो भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि भगवान तो एक ही होता है, भगवान एक ही होता है, ये भगवान के बहुत ही करीब रहने वाले। अच्छा बहुत तो किस धर्म में थे वो? आप कहा नहीं किस धर्म की, धर्म तो है ही नहीं है, एक ही धर्म है इंसानियत। आपकी बात समझ गया, ना मुसलमान बनो ना हिंदू बनो ना सिख, कोई बस धर्म नहीं बनूंगा, आपका इंसान बनना बहुत। सुन लो भाई मत लड़ना, पतला ईसाई वाली लड़ाई, घर अच्छा उसका संसार अच्छा। तालियां भाई ताली बजाओ, जिसका घर अच्छा उसका संसार अच्छा। वाओ ये अच्छा सुन, वो था कृष्य। कौन सा स्टेशन है भाई ये? यहाँ पर दीनदयालु लिखा हुआ था गाइस, दीनदयालु करके कोई स्टेशन है, वहाँ पहुँच गए रात को 3 बजे। काट रहे हैं बस सफर जैसे भी कट रहा है, देख रहे हो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं भाई गाइस साथ साथ। इतने दीनदयालु आके हम दयालु इंसान हो गए। आ जाओ भाई, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, हालत खराब हो जाएगी, फायदा नहीं है यहाँ चढ़ने का। पूरा भरा हुआ है, आगे जाओ, फुल बदमाशी चल रही है, किसी को नहीं चढ़ने दे रहे, करो बंद करो। अब भी नहीं उतर रहे क्या लोग? पहुंच गए कैसे ना कैसे, चलो चलो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, पहुंच गए ना भाई, देख कितना कष्ट झेल गए। तो भाई ट्रेन में नहीं आऊंगा भाई अब गाइस। इसी के साथ हमारी चाय मतलब कुल्लड़ वाली चाय के साथ शुरुआत हो रही है इस दिन की। उस ट्रेन में से तो निकल के आएंगे प्यारा से दर्द भरे ना, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, पीस आउट।